हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवेटा स्ट्रिक्ट। आज मैं आपके लिए गया हूँ बहुत ही शानदार विला जैसा फ्लैट। हाँ जी, आपके सपनों का महल तैयार कर दिया आज मैंने आपके लिए, वो भी कहाँ, उत्तम नगर में। और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से 300 मीटर का डिस्टेंस रहने वाला है, मेन रोड से 150 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। लिफ्ट और गाड़ी पार्किंग के साथ आपको फ्लैट मिलता है। इस फ्लैट में जो भी आपको काम मिलने वाला है, आपका जो सपनों का महल आप चाहते हो हमेशा से कि आपका एक शानदार सा घर हो दिल्ली शहर में, वो आज मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। नवोदित एसोसिएट्स के साथ आपका ये सपना पूरा होने वाला है। साथ ही मैं बता दूँ, जो भी फिटिंग मिलने वाली है फ्लैट में, सारी ब्रांडेड कंपनी की फिटिंग मिलेगी। आसपास की फैसिलिटीज जो रहने वाली है, काफ़ी गुड फैसिलिटीज में आपको फ्लैट मिलने वाला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपका 3 BHK का लग्जरियस फ्लैट। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने विला जैसे फ्लैट पे। ये देख सकते हैं हमारा पूरा एंट्री डोर रहने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार और ब्यूटीफुल सलमाइका का वर्क करा हुआ है यहाँ पे मैंने। पूरा मैकेनिज्म वाला आपको यहाँ पे लॉक मिल जाता है। फुल सिक्योरिटी वाला सिस्टम दे दिया मैंने आपको यहाँ पे। आप देख सकते हैं एंटर करते हैं पूरी आपको एल टाइप की सोफा सीटिंग इजीली आपके लिए मैंने प्लेस कर दी है। साइड में आपको यहाँ पे 2 काउच मिल जाते हैं, बीच में एक सेंटर टेबल मिल जाती है, तो इजीली यहाँ पे 6 से 7 लोग बैठ पाएंगे। बैक वॉल के वर्क की बात करूं, आप देख सकते हैं पूरी सनमाइका का वर्क आपको देखने को मिलने वाला है। वहाँ पे आपको PVC पैनलिंग का वुडन वर्क देखने को मिलेगा, ग्लास का वर्क देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मैंने स्प्लिट AC की फिटिंग दे दी है। जो हमारी सोफा सीटिंग रहने वाली है उसके अपोजिट साइड आपको एक TV पैनल भी मिल जाता है। इजीली यहाँ पे आप अपना 60-70 इंच का TV इंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरी ब्राउन कलर की और वाइट कलर की सनमाइका का वर्क रहने वाला है। पीछे की वर्क की बात करूँ, पूरा PVC पैनलिंग का आपको वर्क मिलता है। यहाँ पे एक फ्रेंड्स मैंने आपके लिए मिनी मंदिर भी तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसको लुक दे रहा है। पूरा ओम का डिज़ाइन मिल रहा है आपको बैक में, पूरा लाइटिंग के साथ। पूरा फ्रंट में हमारा ग्लास वर्क रहने वाला है। नीचे उससे रिलेटेड आप सामान भी रख सकते हैं मंदिर से रिलेटेड, वहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाते हैं। इसकी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की बात करूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाला है। 2 फैंस मैंने आपके लिए इंस्टॉल कर दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको मैंने विला जैसा घर दिखाने वाला हूँ आज, तो मैंने विला में जैसे झूमर लगाते हैं वैसे यहाँ पे आपको झूमर भी एक लगा के दे दिया। देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा, LED स्ट्रिप राइट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा ब्यूटीफुल लिविंग एरिया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपका कॉमन वॉश। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने कॉमन वॉशरूम में एंटर करेंगे, लिविंग एरिया के पास में मैंने आपको एक वॉश बेसिन तैयार कर दिया। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और डिसेंट वॉश बेसिन मैंने आपके लिए तैयार करा है। पूरा ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको हैंड वॉश वाला एरिया मिल जाता है। नीचे उससे रिलेटेड ड्रॉर्स मिल जाती हैं, इजीली आप सामान। यहाँ पे आपको पूरा सेंसर और लाइट वाला मिरर मिल जाता है। देख सकते हैं पूरा लाइटिंग के साथ वर्क मिलने वाला है आपको। यहाँ पे लाइट्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जब हम अपने कॉमन वॉशरूम में एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप देख सकते हैं पूरी एंड टू एंड हमें टाइलिंग का वर्क मिलने वाला है। पूरे ब्लैक कलर की टाइल का काम करा है मैंने कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ पे आपकी पूरी सैनिटरी फिटिंग रहने वाली है। देख सकते हैं आप, शावर की फिटिंग हो चुकी है, बाकी जो नल्स की फिटिंग रह गई वो मैं आपको करा के दूंगा। वहाँ पे आपको गीजर का सिस्टम मिल जाता है, इजीली वहाँ पे अपना गीजर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल माउंटेड सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरा शाफ्ट एरिया रहने वाला है फॉर वेंटिलेशन पर्पज। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा पूरा ब्यूटीफुल फर्स्ट वॉशरूम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपका फर्स्ट बेडरूम। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने बेडरूम में एंटर करेंगे, फर्स्ट बेडरूम एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि स्पेस की बात करूँ मैं, प्रॉपर स्पेस मिलने वाली है हमें पूरे बेडरूम में। कोई हमने घिचपिच वाला काम नहीं करा, प्रॉपर आपको स्पेस दे दी है। बेड यहाँ पे मैंने आपके लिए प्लेस कर दिया। पूरा क्विल्टिंग वर्क के साथ आपको पूरा बेड मिलता है। बैक पे आप देख सकते हैं PVC पैनलिंग का काम हो रखा है, साइड में ग्लास वर्क का काम हो रखा है। ऊपर बात करूँ, ग्लास का और सलमाइका का वर्क देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मैंने डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। कितना ब्यूटीफुल इसको लुक दे रहे हैं। कॉब लाइट्स का वर्क मिल रहा है। इसके अपोजिट साइड ही आपको एक TV पैनल मिल जाता है, बड़े से बड़ा। यहाँ पे आप TV इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप 90 इंच का भी TV लगा लीजिए। यहाँ पे पूरे सलमाइका का वर्क मिलने वाला है।
नीचे आपको स्पेस मिल रही है ब्राउन कलर की और स्किन कलर की सनमाइका में पूरा काम हो रखा है। यहाँ पे आपको एक स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल जाती है, इजीली आप अपना स्प्लिट एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की बात करूँ आप देख सकते हैं पूरी लाइटिंग का वर्क करा हुआ है, अंडरग्राउंड लाइटिंग का वर्क मिलने वाला है। काफ़ी यूनिक कट्स के साथ मैंने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन तैयार करा है। यहाँ पे आपको एक बिग साइज़ की अलमीरा मिल जाती है, इजीली अपना आप यहाँ पे सामान प्लेस कर सकते हैं। देख सकते हैं स्पेस की बात करूँ काफ़ी वाइड स्पेस हमें इसमें मिलने वाली है, देख सकते हैं प्रॉपर स्पेस मैंने क्रिएट कर दिया। अगर आप बोलेंगे यहाँ पे आपको एक हैंगिंग सिस्टम क्रिएट करवाना है तो वो भी मैं आपके लिए करा के दे दूँगा। ऊपर मैंने पार्टीशन कर दिया, नीचे भी आपको पार्टीशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्रॉर्स वगैरह मिल जाती हैं, इजीली आप अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा ब्यूटीफुल फर्स्ट बेडरूम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड बेडरूम में जब हम एंटर करेंगे उससे साइड में हमें एक अपनी ब्यूटीफुल किचन भी मिल जाती है। किचन की बात करूँ पूरी यू शेप की किचन मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। प्रॉपर स्पेस मिलने वाला, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती है आपको, देख सकते हैं आप काफ़ी ब्यूटीफुल मैंने पूरी किचन तैयार। यहाँ पे इजीली 5-6 लोग खड़े होकर इजीली काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रिज के लिए अलग से स्पेस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे अपना बड़े से बड़ा फ्रिज लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। यहाँ पे मैंने पूरा सिंक एरिया क्रिएट कर दिया है, सारी सैनिटरी की फिटिंग हो चुकी है आपकी। ऊपर आप चाहे तो अपने यहाँ पे आर्म इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे मिनी गीजर लगा सकते हैं, नीचे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। पूरा ग्लास का वर्क हो रखा है, पूरी सरमाइका का वर्क देखने को मिल रहा है। स्पेस की बात करूँ काफ़ी ब्यूटीफुल स्पेस मिल रही है आपको, इजीली आपका सामान यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। पूरा नैनो पत्थर का वर्क मिल रहा है यहाँ पे, एंड टू एंड पूरी टाइलिंग का वर्क मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको चिमनी भी लगा के दे दी है फ्रेंड्स, अपनी तरफ से चिमनी मैं आपको इस फ्लैट में देने वाला हूँ। बता दूँ एंड टू एंड पूरा ग्लास का वर्क रहने वाला है, कॉब लाइट का वर्क रहने वाला है। यहाँ पे मैंने गुड्डा गुड्डी भी प्लेस कर दिए, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल इसको लुक दे रहे हैं। फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की बात करूँ काफ़ी डिसेंट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाला है। लैम्प मैंने आपके लिए लगा दिया, एक ब्यूटीफुल लैम्प मिल रहा है आपको किचन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पूरी ब्यूटीफुल किचन। लेकिन जब हम किचन में एंटर करेंगे पूरा एंट्री पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको वर्क दे दिया है मैंने, पूरा ब्राउन कलर की वर्क, ब्राउन कलर का और वाइट कलर की सनमाइका के साथ वर्क मिलता है, कॉब लाइट्स का वर्क मिलता है। तो आप चाहें यहाँ पे अपने छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली उसको लुक देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पूरी ब्यूटीफुल किचन। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपका सेकंड बेडरूम। तो जब फ्रेंड्स हम अपने सेकंड बेडरूम एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज़ का आपको पूरा बेडरूम रहने वाला है। देख सकते हैं बेड इजीली प्लेस हो गया आपका, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी स्पेस रहने वाली है। इजीली आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की बात करूँ काफ़ी यूनिक और डिसेंट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। इस बार मैंने पूरा जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है सिर्फ वॉल पे ही नहीं करा है, ऊपर फॉल सीलिंग के उसको मैं थोड़ा नीचे भी ले आया हूँ बैक वॉल पे। आप देख सकते हैं कितना डिसेंट इसको लुक दे रहा है। साइड में आपको यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है मिनी, इजीली आपको ड्रॉ सेक्शन मिल जाते हैं, इजीली आप वहाँ से रिलेटेड उसका सामान यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इस साइड आपको एक अलमीरा मिल जाती है बिग साइज़ की, इजीली आपका सामान यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इजीली आप बड़े से बड़े यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। पार्टीशंस मैंने इसमें भी कर दी हैं जैसे वहाँ पे आपको मैंने दिखा। बेड के अपोजिट साइड ही आपको एक टीवी पैनल मिल जाता है, इजीली आप अपना 60-70 इंच का टीवी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाली है आपको इस रूम में, आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए मैंने विंडो और विंडो एसी की फिटिंग भी दे रही है। यहाँ पे आपको पूरी ड्रॉर्स मिल जाती हैं वाइट कलर की और ब्राउन कलर की सनमाइका के साथ में, जिनका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है जहाँ जो बच्चे स्टडी वगैरह करते हैं घर पे, तो उनके लिए एक मिनी टेबल्स सी भी मैंने यहाँ पे तैयार कर दी है। यहाँ पे बैठ के वो अपना वर्क इजीली कर पाएंगे या स्टडी इजीली कर। साथ ही हमारा मास्टर बेडरूम भी रहने वाला है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपका इसका वॉशरूम होता है। तो जब हम अपने अटैच वॉशरूम में एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप देख सकते हैं पूरी एंड टू एंड आपको टाइलिंग का वर्क मिलने वाला है। देख सकते हैं वहाँ पे लाइट्स का वर्क भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपकी पूरी सैनिटरी फिटिंग रहने वाली है, सारा काम हो चुका है सैनिटरी है, नल की फिटिंग बाकी है, वो सारा वर्क आपको कंप्लीट हो गया मिलेगा। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन एरिया मिल जाता है, साइड में ग्लास का वर्क भी दे रखा है और वहाँ पे आपकी पूरी वॉल माउंटेड सीट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा सेकंड बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम भी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपका थर्ड बेडरूम। जो हमारा थर्ड बेडरूम रहने वाला है वो बालकनी से भी कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं एंटर करते ही पूरी हमारा थर्ड बेडरूम रहने वाला है, काफ़ी बिग साइज़ का और काफ़ी वाइड मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। प्रॉपर आपको स्पेस मिलने वाली है बेडरूम में। बैक पे जो वर्क रहेगा हमारा पूरा क्विल्टिंग का वर्क रहने वाला है, और देख सकते हैं आप डायमंड कट में मैंने पूरा डिज़ाइन का काम करा हुआ है ग्लास का, आप देख सकते हैं कितना गुड लुकिंग ये रहने वाला है। साइड में आपको एक टेबल भी मिल जाती है, इजीली यहाँ पे बच्चे बैठ के स्टडी वगैरह कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम जिनका चल रहा है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसमें कोई वेंटिलेशन के लिए विंडो नहीं दिया, मैंने एक अलग काम कर दिया इस बार देखिए आप।
प्रॉपर ग्लास कवर, प्रॉपर धूप आएगी यहाँ से, आपको देख सकते हैं कितना यूनिक इसको लुक दे रहा है, प्रॉपर कटिंग दे रही है यहाँ पे। फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की बात करूँ, काफ़ी यूनिक और डिसेंट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। पूरा स्ट्रिप लाइट का वर्क मिल रहा है, अंडरग्राउंड लाइटिंग का वर्क मिल रहा है। बेड के अपोजिट साइड ही आपको एक टीवी पैनल मिल जाता है, इजीली 80-90 इंच का टीवी यहाँ पे आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। कॉब लाइट्स का वर्क हो रखा है। साथ ही मैं बता दूं आपको, हर रूम में मैंने आपको अलमीरा दिखाई है, तो इस रूम में भी आपको अलमीरा मिलने वाली है। पूरा कॉन्ट्रास्ट में वर्क हो रखा है, ब्राउन कलर की और वाइट कलर की सनमाइका का साथ ही वर्क रहने वाला है। काफ़ी वाइट स्पेस मिलती है आपको इसमें, और पार्टीशन मैंने आपके लिए कर दी, इजीली आपका सामान यहाँ पर प्लेस हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा थर्ड बेडरूम जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल मैंने आपके लिए तैयार करा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अटैच बालकनी। तो फ्रेंड्स, जब हम अपनी बालकनी में एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप देख सकते हैं काफ़ी वाइट स्पेस की मैंने ये पूरी बालकनी तैयार करी है। स्टेनलेस स्टील की ग्रिल मिलती है, ग्लास वर्क का काम मिलता है, सैनिटरी की फिटिंग मिलती है, प्लग पॉइंट मिलता है, इजीली आपकी विंडो यहाँ पे वॉशिंग मशीन इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगी। ऊपर की डिज़ाइन की बात करूँ, देख सकते हैं कितना ब्लैक कलर का वर्क करा हुआ है, पूरी पीवीसी पैनलिंग का वर्क रहने वाला है। एक लाइट भी मैंने आपके लिए लगा दी है। काफ़ी वाइड रोड पे फ्लैट रहने वाला है। फ्रंट की जो आपकी रोड रहेगी पूरी 20 फुट की रोड रहने वाली है, पूरी साफ सुथरी आपको रोड मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा ब्यूटीफुल 3BHK। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा 3BHK विला जैसा फ्लैट। जैसे कि आपने देखा होगा, इस फ्लैट में जो भी आपको काम मिलने वाला है, सबसे हट के आपको काम इस बार देखने को मिला होगा इस फ्लैट में। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन का आपको वर्क देखने को मिलेगा इस फ्लैट में। जो भी सैनिटरी का वर्क रहने वाला है, सारी ब्रांडेड कंपनी की फिटिंग मिलती है। आसपास सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, नियर बाय मार्केट हो, नियर बाय जो भी फैसिलिटीज़ होती है मेन, सब आपको यहाँ पे वर्क मिलने वाला है। साथ ही बता दूँ, ये फ्लैट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपने सपनों का घर बुक करना ना भूलिए, और जल्दी से इस नंबर पर कॉल करिए और अपना ये फ्लैट बुक करिए।